चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने कहा कि प्रदेश के अशोक गहलोत सरकार के किए गए जनकल्याणकारी योजनाओं के दम पर हम इस विधानसभा चुनाव में आम जनता के बीच जाएंगे और प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि ये उनके राजनीतिक करियर का अंतिम चुनाव है, इसके बाद वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे युवाओं को आगे लाकर उनकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जीत हासिल करेगी और प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि उनका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव हारने के बाद भी चित्तौड़गढ़ वासियों के लिए कई महत्वपूर्ण सौगातें दी है। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस पत्रकार वार्ता में नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा और विधानसभा चुनाव संयोजक नागेंद्र सिंह राठौर मौजूद रहे। पूरी तरह से समर्पित रहूंगा अंतिम सांस तक और ये मेरा अंतिम चुनाव होगा। इसके बाद मैं कोई चुनाव नहीं लड़ करके और जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उसके लिए मार्ग प्रशस्त होगा और उनको 5 साल के अंदर पूरी तरह से चित्तौड़ विधानसभा के एक एक चप्पे से वाकिफ समस्याओं से वाकिफ करा करके मैदान में भेजेंगे और उनके लिए मैं काम करूंगा और मरते दम तक पार्टी की सेवा करेंगे। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है, हाईकमान का जितना आभार व्यक्त करूं सोनिया जी का खड़गे साहब का कम है कि उन्होंने मुझे दो बार हारने के बाद अभी मैं आपको नहीं बता सकता मेरा सीधा मुकाबला किससे है या आप उससे 10 दिन बाद पूछेंगे तो बताऊंगा। अभी तो उन दोनों के बीच में मुकाबला हो रहा है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अभी तो उन दोनों में मुकाबला हो रहा है, अभी तो उन दोनों में मुकाबला है मेरा। देखिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, दो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी से ही होगा और ये आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा कि मुकाबला किससे है। पहले ये दोनों मुकाबला कर लेंगे फिर हमारे से मुकाबला। मेरे जीवन के अंदर कोई एक चीज बताते हैं, मेरे जीवन में हमेशा नंबर वन काम रहा। अगर मेरा नंबर वन काम नहीं रहता तो दो बार हारने के बाद छठी बार पार्टी टिकट नहीं देती और उनको दो बार जीतने के बाद ही पार्टी ने टिकट कटा है। मेरे को दो बार हारने के बाद पार्टी ने टिकट दिया और उनको दो बार जीतने के बाद ही पार्टी ने टिकट कटा है। मेरी तुलना करना, मैं सोचता हूं उनको शोभा नहीं देता है। न तो मेरा नंबर वन काम है, मेरा कोई दो नंबर। केंद्रीय नेतृत्व का और मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत साहब का, गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का, रंधावा साहब का बहुत बहुत आभार, सोनिया जी का बहुत आभार, खड़गे साहब का आभार। राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, चित्तौड़ से हम 5ों सीटें जीतेंगे और चित्तौड़ विधानसभा से निश्चित रूप से हम बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत करके आएंगे। जनता का जो प्रेम 5 साल के अंदर हम लोगों ने पाया है और विकास, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, उससे ज्यादा उन्होंने दे दिया, मेरे मांगने से भी ज्यादा उन्होंने दे दिया। आज गाड़ी समाज का देखिए कई जगह राजस्थान के अंदर है और राजस्थान के अंदर त्रिकोणीय संघर्ष कई जगह, लेकिन चित्तौड़ विधानसभा इस बार जनता के आशीर्वाद से, तो जनता लोकतंत्र में माई बाप जनता है, उसके आशीर्वाद से हम लोग चित्तौड़ विधानसभा अवश्य जीतेंगे। क्योंकि जो वर्तमान विधायक जिनका टिकट कटा है उन्होंने चित्तौड़ विधानसभा के लिए कुछ भी नहीं कहे, 5वीं स्कूल नहीं खुला सके, एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी वो स्वीकृत नहीं करा सके। इससे बड़ी विडंबना क्या हो गया, तो मेडिकल कॉलेज से लेके चिकित्सा उप जिला चिकित्सालय, सैटेलाइट हॉस्पिटल, CSC PSC सभी मंजूर करा दिए, 10 उप स्वास्थ्य केंद्र मंजूर करा दिए, 8 कॉलेज दे दिए मुख्यमंत्री जी ने, खूब स्कूलें दे दी 5वीं से लेकर 12वीं तक की दे दी। विश्वास है बिल्कुल अंतिम चुनाव है, युवाओं को मौका देंगे, पूरी तरह से युवा पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, युवा पीढ़ी आएगी, युवा नेतृत्व आएगा और फिर वो कांग्रेस पार्टी को मजबूती देगा।